चौंक गए क्या? दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी। फ्रीडम टू फेल। हेलो फ्रेंड्स, जॉयफुल स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों का टेंस का दूसरा दिन स्टार्ट होने वाला है। आज के दिन हम आप लोगों को बताएंगे कि उनके फार्मूले कौन कौन से हैं। कल आप लोगों ने को हमने उनकी हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, उम्मीद है आप लोगों ने वो याद कर ली होंगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। आज आपके चालू होंगे फॉर्मूलाज। आराम से बैठ के पढ़ें और वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम से जितना आराम से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला आपका टेंस होता है प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। केवल हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला आपका आता है अफर्मेटिव वाला। अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये आपका अफर्मेटिव का फार्मूला होता है। नंबर टू पे आपका आता है निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज होती है, लेकिन उससे पहले आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब उसकी यूज करनी होती है, जो होती है डू या डज। डू या डज यूज करने के बाद में निगेटिव है, इसीलिए इसमें नॉट का भी प्रयोग होगा। प्लस साथ ही इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। ये आपका होता है इसका निगेटिव का फार्मूला। अब हमने आपको बताया था इसकी इसमें इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब आपको केवल ये निगेटिव का फार्मूला याद करना है, उसी से हम आपको इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप सिखाएंगे। इससे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप करने के लिए ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब होती है इसको यहाँ से हटा करके यही हेल्पिंग वर्ब को केवल आपको वाक्य के सबसे शुरू में जोड़नी पड़ती है। फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है, बाकी ये पूरा फार्मूला आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का बन जाता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का फार्मूला ये बनने के बाद में अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का बनाना है तो ये डू या डज आपका लिखा होता है, उससे पहले आपको एक वर्ड और जोड़ना पड़ता है, वो होता है क्वेश्चन वर्ड, जो आपके बीच में वाक्य में लिखा होता है। यानी कि आपको केवल दो फार्मूले याद करने हैं और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपका ख़त्म हो जाएगा। नंबर दो पे आता है आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस वाला टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। उसके बाद में आपका जुड़ता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूस में जो भी होते हैं उसमें आईएनजी लगती है। प्लस में आपका जुड़ता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये आपका है अफर्मेटिव का फार्मूला। और इसी को निगेटिव करने के लिए मेन हेल्प एम आर, इसी के बाद में आपको अगर इसमें आप नॉट जोड़ देते हैं तो आपका निगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप करने के लिए जो कंडीशन उसमें थी वही इसमें अप्लाई होगी। यहाँ पर से इज एम आर को हटाना होगा और वो उसको पहुँचाना होगा वाक्य के सबसे आगे। इज
एम और आर, ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। नंबर थ्री पे आपका आता है प्रेजेंट का परफेक्ट वाला टेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका वही सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब जो है हैज और हैव, प्लस में आपका जुड़ता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में जुड़ता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस में फुल स्टॉप। ये आपका अफर्मेटिव का फार्मूला है, इसको निगेटिव करना है। निगेटिव करने के लिए इसमें आपको जोड़ना पड़ता है नॉट, फुल स्टॉप ही रहेगा इसमें। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप करने के लिए जो कंडीशन उसमें अप्लाई की थी वही कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। यहाँ पर से आपको हैज और हैव को हटाना है और वो हैज और हैव उठ करके सबसे वाक्य के आगे पहुँचाना है, हैज और हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप करना है तो वही कंडीशन क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले। अब आता है नंबर फोर, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हमने आपको बताया था इसमें प्लस करके हमने भी लिखवाया है, उसका यूज अब आपको यहाँ पे पता लगेगा क्यों लिखवाया था हमने। यहाँ पर प्लस करके बीन लिखना है, प्लस साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, प्लस करके इसमें आपका जुड़ता है टाइम। ये आपका है अफर्मेटिव का फार्मूला, इसको निगेटिव करना है। निगेटिव करने के लिए आपका ये जो है जो है वो लिखा है उसके जस्ट बाद में नॉट जुड़ता है, इसीलिए हमने इसको आपको प्लस करके भी लिखवाया था। जैसे आपने नॉट जोड़ दिया ये आपका बन गया निगेटिव का फार्मूला। और साथ ही इसको जब इंट्रोगेटिव आप फर्स्ट टाइप में चेंज करते हो तब आपका बीन आगे नहीं जाता, केवल आपका हैज और हैव यहाँ पर से हटता है और वो सबसे पहले लिख दिया जाता है, हैज और हैव। वही जब आपको इसको इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप करना होता है जो ऊपर से करते आ रहे हो, वही आपको क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट करना है। ये आपके प्रेजेंट टेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में आपका चालू होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस शुरू करने के लिए इसको पहले हम रफ कर देते हैं। फिर आपका शुरू होगा यहाँ पे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी सेम कंडीशन होती है, कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ते हैं और उसके बाद में वो फार्मूले अपने आप बनते जाते हैं। नंबर टू पे आ गया आपका पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी एक फार्मूला अफर्मेटिव वाला जो होता है वो सबसे अलग होता है। जैसे इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। यही एक अकेला ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नंबर टू पे आता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव वाला। निगेटिव के लिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से आ जाती है आपकी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब यही आपको करना है इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए वही काम, हेल्पिंग वर्ब को हटा करके सबसे आगे पुट करना है। सबसे आगे लिख दोगे, उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड जोड़ना पड़ेगा और बाद में वही सब रहेगा। उसके बाद में नंबर टू आता है इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है वाच या वर, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस में आता है ऑब्जेक्ट, प्लस में आता है अदर वर्ड और प्लस में आता है फुल स्टॉप। इसको हम लोगों को निगेटिव करना होता है। निगेटिव करने के लिए वही काम, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज़ करते हैं। अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप करना होता है तो जो कंडीशन ऊपर अप्लाई की थी वही कंडीशन यहाँ होगी। हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटाना है और उसको सबसे पहले लगाना है। सबसे पहले लगाने के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप करने के लिए हम लोगों को वही सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। अगला टेंस आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हेड है उसको नोट करना है। हेड के बाद में आप लोगों को इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये आपका अफर्मेटिव का फार्मूला है। अफर्मेटिव के बाद में आपका आता है निगेटिव। निगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके तुरंत बाद में हम लोग नॉट जोड़ते हैं। नॉट जोड़ने के बाद में जब इसको हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप करते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप करने के लिए यहाँ पर से हेल्पिंग वर्ब को हटाते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे शुरुआत में जोड़ देते हैं। शुरुआत में जोड़ने के साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तुरंत लगा देते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हम इसका करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में लास्ट वाला जो टेंस होता है वो आपका आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैड। बीन हमने प्लस में करके लिखवाया था, आपको उसको प्लस में ही करके लिखना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में आपका जुड़ता है फुल स्टॉप। इसको जब हम लोगों को निगेटिव करना होता है, निगेटिव करने के लिए इसमें हम लोगों को जोड़ना पड़ता है नॉट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप करने के लिए जो काम हमने इसमें किया था ऊपर वाले में वही काम इसमें भी करना है। हेड को यहाँ पर से हटाना है और उसी को सबसे शुरू में जोड़ना है। जब इसको हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का करना होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपका ये पास्ट टेंस भी ख़त्म हो जाता है। पास्ट टेंस के बाद में आपका आता है फ्यूचर टेंस। जो कंडीशन आप लोगों को इसमें अप्लाई की है वही फ्यूचर टेंस में भी करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को ये सारे नोट्स लाइन से पूरे मिल जाएं तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना होगा, वहाँ पे आप लोगों को सारे नोट्स इसके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आगे आपका आता है फ्यूचर टेंस। नंबर वन फ्यूचर
इंडिफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसकी विल या शैल, प्लस में आपका जुड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप. यही आपको निगेटिव करना है. इसका निगेटिव करने के लिए विल या शैल के बाद में तुरंत नॉट जोड़ दिया जाता है. जब आपको इसको इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप करना है तो जो आपने पहले किया था वही आपको यहाँ पे करना है. विल या शैल को यहाँ पर से हटा लेना है. विल या शैल को हटाने के बाद में वो आपका आएगा सबसे पहले. विल या शैल सबसे पहले जोड़ने के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को लगाना पड़ता है क्वेश्चन वर्ड. नंबर टू आपका टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल. इसमें हमने आपको प्लस करके बी भी इसीलिए जुड़वाया था क्योंकि आप लोगों को नॉट जो यूज़ करना होता है वो इसके बीच में करना होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है, प्लस में साथ ही ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप. निगेटिव करने के लिए जैसे हमने बताया नॉट इसके बीच में जाएगा. इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप करना है तो जो काम आपने पहले वाले में किया था केवल विल और शैल यहाँ पर से हटाना है और उसको वाक्य के शुरू में लगाना है. विल या शैल लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप करने के लिए क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे जुड़ जाएगा. नंबर थ्री पे आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, प्लस करके आपका जुड़वाया था हमने इसमें हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड एंड प्लस फुल स्टॉप. निगेटिव करना है. निगेटिव के लिए वही काम विल या शैल के बाद में नॉट का यूज़. इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए केवल विल और शैल को यहाँ पर से हटा करके सबसे आगे आपको पुट करना है. विल या शैल को यहाँ पर से हटा लिया और आगे आ गया विल या शैल. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ओनली क्वेश्चन वर्ड इन स्टार्टिंग. लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लास्ट टेंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, प्लस में आपको जोड़ना है हैव बीन. हैव बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस करके फुल स्टॉप. जब इसको निगेटिव आपको करना है तो वही विल या शैल के बाद में नॉट. इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए यहाँ पर से आप लोगों को विल या शैल को ही केवल हटाना है. विल या शैल को हटा करके उसको लिखना है सबसे पहले. विल या शैल इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड.
लास्ट में इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि हम लोग जो लास्ट वाला टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस या फॉर का यूज़ किस लिए किया जाता है? टाइम भी आपका दो प्रकार का होता है, जैसे कोई कोई निश्चित समय होता है और कोई अनिश्चित समय होता है। अगर आपका समय निश्चित है तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाता है, अगर आपका समय अनिश्चित है तो वहाँ पे फॉर का ही प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय कैसे होते हैं? जैसे कि आपका 4 बजे से 2 बजे से 3 बजे से, जैसे कि कोई टाइम आपका सुनिश्चित कर दिया गया। अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से, यह आपका अनिश्चित समय कहलाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें एंड कमेंट में आपको बताएं आपका कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा था।